208 को तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, और अभी सुनने में आया मुझे कि लोहे वाला पुल जो है अपना जो हनुमान जी मंदिर है मरगढ़ वाले बाबा उनके पास जो लोहे वाला पुल है वो भी ऑलमोस्ट डूब चुका है। ये कुछ मॉल है भाई कावड़ का दिल्ली में, पूरा बढ़िया से सजा रखा है। देखिए आप पंडाल कितना सुंदर लग रहा है, देखिए लोग यहाँ पे कितनी भीड़ लगा के खड़े हैं। तो कावड़ियों को देखने के लिए सिर्फ भीड़ है ये, और कुछ नहीं है, सिर्फ एक झलक देखने के लिए। ये बहुत मेहनत करके आते हैं, हरिद्वार से जल लेके आते हैं, इतना आसान नहीं होता भाई। ये देखो पूरा पानी भरा हुआ और लोग पानी में आ रहे हैं बाइकों से रिस्क लेके। हम तो ये प्रे करते हैं कि ऐसा ना हो, और जो ये इतना भयानक रूप ले रखा है यमुना ने, नॉर्मल हो जाए और सबके लिए बढ़िया है, ये हमारे लिए बढ़िया है, और जो लोग यहाँ रहते हैं जिनको दिक्कतें हो रही है उनके लिए भी बढ़िया है। भाई मैं अभी खड़ा हूँ इस रोड की, मैं आपको बात कर रहा था जो करनाल की तरफ जाती है कश्मीरी गेट से, उसी रोड के ऊपर ये फ्लाईओवर है अपना कश्मीरी गेट वाला, वहाँ पर खड़ा हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको क्या नज़ारा सामने का। यहाँ पर देखिए लोगों की भीड़ देखिए कितनी है, और पानी बताओ यमुना बाज़ार लोहे वाले पुल पर जाने दे रहे हैं, अभी बंद है वो तो, बंद है तो पानी भी चढ़ गया मैंने सुना। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो जैसा कि आपको पता ही है हर जगह बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं, हिमाचल में उत्तराखंड में हर जगह, दिल्ली में भी बुरा हाल है। बच्चे ने मेरे पैर पे साइकिल चढ़ा दिया, तो ज़्यादातर बुरा हाल जो है वो सेंट्रल दिल्ली और ईस्ट दिल्ली के आसपास ज़्यादा हो रहा है। तो अभी मैं भी ज़रा देखने जा रहा हूँ, मैं घर से बाहर निकला नहीं था क्योंकि कंडीशन सही नहीं थी, बट मैं सोच रहा हूँ कि एक बार देख आते हैं थोड़ा सा, मुझे रास्ते में थोड़ा काम भी था। और कश्मीरी गेट और शास्त्री पार्क की तरफ काफ़ी ज़्यादा पानी वगैरह भरा हुआ है, तो एक बार देखते हैं कैसा है वहाँ पर माहौल और दिखाता हूँ आप लोगों को कि वहाँ के लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। दोस्तों निकल चुके हैं, वो अभी स्कूटी पे हैं और मैंने शॉर्ट्स पहने हुए हैं। अगर पानी वानी में जाने का मौका मिला तो पानी में भी जाके दिखाऊंगा मैं आपको कैसा माहौल हो रहा है। चलिए देखते हैं कैसा है दिल्ली में, पानी का लेवल कम हुआ नहीं हुआ। 208 को तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, और अभी सुनने में आया मुझे कि लोहे वाला पुल जो है पुरानी दिल्ली अपना जो हनुमान जी मंदिर है मरगढ़ वाले बाबा उनके पास जो लोहे वाला पुल है वो भी ऑलमोस्ट डूब चुका है, क्योंकि पानी डेंजर लेवल से ऑलरेडी ऊपर था। 2006 का जो था वो वार्निंग थी वहाँ पे डेंजर लेवल की, और 2008 क्रॉस कर चुका है। आज का कोई अपडेट है नहीं मेरे पास, बट अभी जाके देखेंगे फिर बताता हूँ आपको कैसा है वहाँ पर सब। चलिए देखते हैं। ये वाला रूट जो है ये पूरा कावड़ की वजह से बंद है, इस वाला रूट आप देख रहे हैं सामने की तरफ, और ये वाले रूट पे रॉन्ग साइड मतलब एक ही रोड पे एक साइड से आने का है ट्रैफिक, एक साइड से जाने का, जैसे कि आप देख रहे हैं हम रॉन्ग साइड नहीं जा रहे हैं, ये रास्ता बना रखा है अभी पुलिस के द्वारा, क्योंकि ये वाला रोड अगर आप देखेंगे तो ये जी टी करनाल रोड है, ये कश्मीरी गेट की तरफ जाता है। हम अभी झिरमिल मेट्रो स्टेशन के पास हैं, पीछे ही झिरमिल मेट्रो स्टेशन था जहाँ मैंने अभी आपको बताया रोड के बारे में। तो ये पूरा रोड जो है वो कावड़ियों के लिए कश्मीरी गेट की तरफ जा रहा है, तो ये लोग जल लेके घर जा रहे हैं अभी इस तरफ से, और ये जो रास्ता ये आने का है तो इस साइड में आना जाना गाड़ी का जो ट्रैफिक है इस साइड कर दिया गया है, और कावड़ियों के लिए लेफ्ट साइड वाली पूरी रोड निकली। इस साइड भी आप देख सकते हैं इनके पंडाल वगैरह लगे हुए हैं, राइट साइड में आप देख सकते हैं।
निकलना, वो भी चढ़ाई के। ये लोग पैरों में पट्टी वगैरह बांधते हैं जिससे चलते चलते पैरों में सूजन वगैरह आती है, तो उससे बहुत दर्द होता चलने में, तो उससे पट्टी, ये जो पट्टियाँ हैं ये थोड़ा सा सेफ गार्ड करती है और ज़्यादा चल पाता आदमी, तो वो ये यूज़ करते हैं नॉर्मली। और ये अभी हम आ चुके हैं मानसरोवर मेट्रो स्टेशन की तरफ, ये सामने आपको दिख रहा है मानसरोवर मेट्रो स्टेशन, यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है। अभी तो ये चलेगा पूरा, इस बार तो सावन का महीना 2 महीने का है और स्टार्टिंग के 1 महीने तो बहुत ज़्यादा रश रहने वाला है। जाके देखने आ रखे हैं लोग कलर। अच्छा, देखिए लोग यहाँ पे कितनी भीड़ लगा के खड़े हैं, तो कांवड़ियों को देखने के लिए सिर्फ भीड़ है ये और कुछ नहीं है। अगर आपको लग रहा हो ये मेट्रो, क्योंकि वो जो मेट्रो स्टेशन है उसकी एंट्री नीचे की तरफ से है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए इतनी भीड़ लगी है सिर्फ एक झलक देखने के लिए, ये बहुत मेहनत करके आते हैं, हरिद्वार से चल लेके आते हैं, इतना आसान नहीं होता। हालांकि मौसम अभी अच्छा है बट पैदल जो लोग पैदल लेके आ रहे हैं उनके लिए मतलब सल्यूट है सीरियसली। चलिए आगे चलते हैं, वो है ना डाट कावर, ये लेके ये भाग रहा है, फिर वो आगे जाएगा आपको उसको देगा भाई, इसको बोलते हैं डाट कावर, ये जो लड़की आप देख रहे हो ये दौड़ेगा, फिर दूसरे बंदे को जो बाइक में है वो उतरेगा, उसको लेके आगे भागेगा, फिर जो जो बैठ गया है वो उतरेगा, वो दोबारा पकड़ेगा, ऐसे करके डाट कावर चलती है। इसको लेके चलना पड़ता है, आराम आराम से नहीं चला जाता, इसमें एक तरफ बाइक में 2 बंदे रहते हैं और एक तरफ बंदा हाथ में डांट लेके चलता है। ये देखिए ये हम शाहदरा की तरफ आ चुके हैं और यहाँ देखिए सिक्योरिटी CISF वगैरह पूरी फुल मुस्तैदी के साथ है, कोई हुड़दंग हुड़दंग फालतू का मचाएगा डिस्टर्ब करेगा कावड़ियों को तो उनके अगेंस्ट एक्शन भी लेगा। कावड़ियों के लिए पंडाल होते हैं, किसी को रेस्ट करना है, थकान लग गई है आराम करना है, या खाने पीने का बंदोबस्त, ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पे लाइन से 5-6 पंडाल हैं जो लगे हुए हैं।
डेंजर है भाई। अभी तो वैसे सबको हटा दिया गया है यहाँ से, तो सेफ है अभी जो लोग यहाँ रहते हैं यमुना बाज़ार की तरफ। और मेट्रो में यमुना विहार, यमुना बैंक सॉरी, एक मेट्रो स्टेशन है, ठीक है, यमुना बैंक एक मेट्रो स्टेशन है, उसको बंद कर दिया गया है। आप एग्जिट नहीं कर सकते क्योंकि नोएडा और द्वारका की मेट्रो तो उधर से होके जाती है, तो मेट्रो तो वहाँ से जाएगी, बट आप उस स्टेशन में एग्जिट नहीं कर सकते क्योंकि बाहर पूरा पानी भरा हुआ है और आप एग्जिट करें कहीं जा भी नहीं पाओगे। तो अभी ये हाल है भाई दिल्ली मेट्रो का, बाकी जगह तो चले रही है। और ये हम आ चुके हैं ISBT महाराणा प्रताप बस अड्डा। ट्रैफिक नहीं दिख रहा हो क्योंकि एक गुड़गांव की तरफ जाने वाली और दिल्ली की तरफ एंटर करने वाली रोड है, उधर से आपको दिखेगा पूरा ट्रैफिक है। अभी लोग ऑफिस से घर आ रहे हैं, हम भी थोड़ा आगे तक जाएंगे और फिर यूटर्न लेके वापसी चलेंगे। भाई ये देखो, ये देखो, ये पानी पूरा पीछे तक भरा हुआ था कल, आज देखो आज थोड़ा कम हो गया, बट ये नीचे मोनेस्ट्री मार्केट जाने की रोड है, ये बद्दी बाज़ार कपड़े वगैरह पूरा पानी भरा हुआ। अरे भाई मार्शल जाना था वहाँ पर, भाई ये देखो पूरा पानी भरा हुआ है और लोग पानी में आ रहे हैं बाइकों से रिस्क लेके। पानी आपको कम लग रहा होगा बट बहुत रिस्की है ये, कि नीचे की तरफ बना हुआ है, देखो इस तरफ भी पानी भरा हुआ है। मैं अभी खड़ा हूँ कश्मीरी गेट से, दिलशाद गार्डन जो अपना गाज़ियाबाद की तरफ जाने वाला रोड है उस पे खड़ा हूँ। ये आपका बस अड्डा है सामने मेरा, कश्मीरी गेट का मेट्रो स्टेशन, ये आपका बस अड्डा है। और ये देखो नेक्स्ट लेवल पानी भरा हुआ है। और ये रास्ता आगे से करनाल की तरफ जाता है आपका, सिविल लाइन्स वगैरह होते हुए जाता है, सिविल लाइन्स में भी बहुत पानी भरा हुआ है। यहाँ पर अपना सचिवालय है, ये देखो दोस्तों, देखा आपने कश्मीरी गेट में पानी थोड़ा कम हो गया, बहुत अच्छी बात है, तो दिक्कतें कम हो रही हैं, बट अभी भी एक साइड की तरफ पानी भरा हुआ जैसा मैंने आपको भी दिखाया। और कश्मीरी गेट की तरफ इतना पानी नहीं है बट इस लेफ्ट साइड में सारा पानी इस तरफ को आ गया है। तो आज बारिश हुई नहीं है, आज 14 जुलाई है, बारिश हुई नहीं है और इस वजह से हो सकता है कि पानी का लेवल थोड़ा कम हो गया। और पहाड़ों में भी मैंने पता किया तो उत्तराखंड में बारिश नहीं हुई है आज, मेरा दोस्त है आज केदारनाथ यात्रा पे गया हुआ है, बहुत डेयरिंग है, वहाँ बारिश नहीं हुई है, अभी बात हुई है मेरी उससे तो बोल रहा है कोई बारिश वारिश नहीं हुई, धूप निकली हुई है। दिल्ली में भी आज धूप निकली थी, थोड़ी बहुत बारिश हुई थी आधा पौना घंटा, बट बहुत मतलब तेज़ बारिश नहीं थी, हल्की बारिश थी, तो अच्छी बात है। एक दो दिन अगर ऐसी मौसम रहेगा तो पानी का लेवल कम हो जाएगा और जो बाढ़ जैसे हालात हैं वो ठीक हो जाएंगे। बाकी हम तो ये प्रे करते हैं कि ऐसा ना हो, और जो ये इतना भयानक रूप ले रखा है यमुना ने ऐसा, और नॉर्मल हो जाए और सबके लिए बढ़िया है, ये हमारे लिए बढ़िया है और जो लोग यहाँ रहते हैं जिनको दिक्कतें हो रही है उनके लिए भी बढ़िया है। तो ये सब चीज़ें बाकी देखते हैं आगे, अभी हम चल रहे हैं घर की तरफ वापस क्योंकि ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, टाइम हो गया है, ऑफिस से छुट्टी होने का, 7:45 हो रहे हैं अभी। भाई मैं अभी खड़ा हूँ इस रोड की, मैं आपको बात कर रहा था जो करनाल की तरफ जाती है कश्मीरी गेट से, उसी रोड के ऊपर ये फ्लाईओवर है अपना कश्मीरी गेट वाला, वहाँ पे खड़ा हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको क्या नज़ारा सामने का। मेरे को तो देख के बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, नीचे से मुझे लगा था पानी का लेवल कम हो गया, बट मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सामने, ये रोड जाती है आपकी सिविल लाइन्स, सिविल लाइन्स के बाद आपका होते हुए ये आपकी नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ जाती है, और ये राइट साइड में ही आपका मोनेस्ट्री मार्केट है, यहाँ पे कपड़े वगैरह मिलते हैं, हम कपड़े वगैरह लेने जाते हैं, बट अभी देखिए क्या हाल हो रखा है, अभी लोग जा रहे हैं, कांवड़िए भी जा रहे हैं, रिस्क लेके जा रहे हैं बट सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी। और पानी भी 3-4 दिन से भरा पड़ा है, बहुत रिस्की तो होता ही है पानी में जाना, और काफ़ी गंदा भी है, 10 तरह के बीमारियाँ कीड़े मकोड़े भी होते हैं, तो थोड़ा सा आप अगर जा रहे हैं ज़्यादा ज़रूरी है तो इस रास्ते को यूज़ करें,
नहीं तो आप कश्मीर गेट से आगे से घूम के भी जा सकते हैं। वो देखिए सामने की तरफ, और वहाँ से वो रोड आगे जाके वहाँ से यू टर्न लेके अगर आप आएंगे तो इसी वाले फ्लाईओवर पे आ जाएगा ये जो दिलशाद गार्डन शाहदरा और गाज़ियाबाद की तरफ जाने वाला रास्ता है। तो हम तो कश्मीरी गेट से यू टर्न लेके आ गए थे, हमने नीचे की तरफ नहीं लिया है, तो ये हाल है। आपको कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं दिख रही होगी क्योंकि रास्ता ही बंद है, पानी भरा हुआ है, तो लोग वो रास्ता अवॉइड कर रहे हैं अभी कश्मीरी गेट की तरफ से जाने वाला। और यहाँ पर देखिए लोगों की भीड़ देखिए कितनी है। और जैसे हम यहाँ पे देखने आए हैं, जायज़ा लेने आए हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस वाले सामने खड़े हैं और सब लोग आके यहाँ पे वीडियो वगैरह बना रहे हैं। तो ये हाल है भाई, पूरा पानी भरा हुआ, पूरा जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक पानी भरा हुआ। ये देखिए लोग वापस बाइक वापस मोड़ रहे हैं, उन्होंने देख लिया पानी का लेवल, रिस्क लेना सही नहीं है। ये देखिए ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जा रही हैं। भी नहीं है, और ये मेन रोड है करनाल, और आपका इस तरफ अगर आप जाएंगे तो इंद्रप्रस्थ जाने के लिए रास्ता है, आईटीओ जाने के लिए रास्ता है। पूरा रोड बंद हो रखा पानी की वजह से, पूरा रोड बंद। चलिए चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। पूरा पानी बताओ, यमुना बाजार लोहे वाले पुल पे जाने दे रहे हैं, अभी बंद है वो तो बंद है। तो पानी भी चढ़ गया मैंने सुना, पहली बार हुआ है इस बार ना, और बारिश भी ज़्यादा हो गई है चक्कर का, लोग अभी भी जा रहे हैं, अभी भी नहीं मान रहे। गाड़ी आ नहीं रही, वो देख रहा है पर पानी भरा हुआ है आगे। ये देखो बच गया, अभी गिर जाता स्कूटर। यमुना बाजार में तो खाली करा दिया, वो जो हनुमान जी का मंदिर है ना शायद, लोहे वाले पुल से आगे की तरफ है ना, वो ही बंद कर दिया। हाँ वो बंद कर, शास्त्री पार्क में भी पानी भरा हुआ अंदर। ये ले लिया वापस, बस वाला जा रहा वापस। मैं इसको पता नहीं है क्या कहाँ बैरियर लगाते चाहिए था वहाँ। मेरे हिसाब से तो आगे से ज़्यादा बढ़िया है, बेस्ट है। वो सही है, वहाँ से निकल जाओ, ये इधर से जाना रिस्की है बहुत ज़्यादा। गाड़ी का कोई भरोसा नहीं, किसी गाड़ी कब बंद हो जाए बोलने की बात है बस। देखो आ रहे हैं साइकिल वाले, हिम्मत करके जा रहे हैं बताओ। ये देखिए गाइस, थार का कलेक्शन, एक दो तीन, नहीं ये हाँ हाँ फ्लड रिलीफ वाले, फ्लड रिलीफ वाले, मुझे लगा था ये मदद करने आए होंगे किसी को, कोई दिक्कत है कोई, तो सिख वाला ग्रुप है ना कोई, वही गुरुद्वारे वाले होंगे। वहाँ देख वहाँ देख, हेलो मैं 4 साल का था उस समय, मेरे को ध्यान है। अच्छा छोटे थे हाँ। आप यहाँ नहीं थे उस टाइम पे बाढ़ जब आई थी? यही रहते थे हम, ये अब ज़्यादा हो गया, अब पब्लिक ज़्यादा हो गई ना, तो उसके बाद जब ये पानी आया इतना नहीं आया कभी। हाँ उसके बाद नहीं आया, इस बार ज़्यादा हो गया, इस बार बारिश ज़्यादा हो गई ना, कंटिन्यू होते जा रही 4-5 दिन से। ये ट्रक फंस गया क्या वहाँ? हिलता बहुत है यार ये पुल जब गाड़ी चलती है, इसको वो लगाई जाती है स्प्रिंग होती है। हाँ भूकंप वगैरह के लिए सेफ रहता ना, इसने भी मोड़ ली। साइकिल वाले जा रहे हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस, कोई दिक्कत नहीं है, पैंट वेंट ऊपर बंद हो जाए, बंद हो जाए क्या बंद होगी, सर पर उठा लेंगे। वो फंस गया बाइक वाला, उधर पैदल पैदल जा रहा था, थक गया। बसों देखा था, बसों गया था मोनेस्ट्री से, वहाँ पानी था उसका, यहाँ नहीं था जब, आज इधर आ गया। हाँ पैदल निकल निकल के जाने थे वहाँ से। मोनेस्ट्री का तो काम खराब हो गया भाई, अब अंदर भी पानी है देखो, पूरा भरा हुआ देख रहे हो नीचे, रोड की हालत भी खराब हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो। चले चलो चलो ठीक है भैया, चलते हैं हम भी। हेलो
किसी समुद्र में खड़े हैं या किसी बीच के पास खड़े हैं, ऐसा लुकारा बिल्कुल बढ़िया वाला। ये देखो ये भी सब डूब गया है। इधर ये मोनेस्ट्री मार्केट है और जो तिब्बतन कॉलोनी है उसके अंदर ये वो वाला एरिया है सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं अभी इससे पहले जो एरिया दिखा रहा था वो आपको कश्मीरी गेट था। ये हाल हो रखा है यहाँ पे। ये देखिए पेड़ भी टूट गए, नीचे सारे पेड़ आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ये हाल है। और लोगों का तांता लगा हुआ है यहाँ पे देखने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इस साइड भी देखिए लोग खड़े हैं सारे और इस साइड भी देखिए। पूरा पानी भरा हुआ, पूरा पानी। नॉर्मली यमुना का जो है इस लेवल तक रहता है, इस साइड तक रहता है, बट इस टाइम देखिए पूरा पूरा लेफ्ट साइड पूरा कवर है, राइट साइड भी पूरा कवर है, पूरा पानी भरा हुआ। अभी मेरी भैया से बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि कल परसों तक तो मोनेस्ट्री के अंदर तक पानी घुस गया था, कॉलोनी के अंदर गलियों गलियों में पानी घुसा हुआ था। अभी थोड़ा सा कम हो गया बट अभी भी काफ़ी ज़्यादा। ये है पीछे नदी का लेवल, आप देखना पीछे की तरफ क्या दिख रहा है, सिर्फ हरे हरे पेड़ दिख रहे, घास दिख रही है और पानी दिख रहा होगा। आप अगर कहीं जा रहे हैं कश्मीरी गेट से होते हुए तो कश्मीरी गेट को तो अवॉइड करें, कश्मीरी गेट की तरफ ट्रैफिक बहुत है, पानी भी बहुत है। शासी पारा, कश्मीरी गेट, गीता कॉलोनी, ये सारे एरिया अवॉइड करें, यहाँ से मच जाएँ तो ही बेटर है, क्योंकि मैं भी आया हूँ तो ये कंडीशन है। और अभी सात बज गए, बज चुके हैं, तो अभी आज बारिश नहीं हुई है, होपफुली कल परसों ना हो तो पानी का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। लोग थोड़ा जो जिन लोगों को दिक्कत हो रही है, जो लोग शिफ्ट हो गए हैं उनको तो अपने घर वापस जा पाए। पानी में डूब गए हैं, ये सारा एरिया खाली हो गया है। और इसको ये पुश्ते वाला एरिया बताया जाता है। ये जो रोड है शास्त्री पार्क से लेफ्ट की तरफ भजनपुरा की तरफ जा रहा है और ये पुश्ते वाला एरिया है, पूरा डूब गया देखिए पानी में, घर भी सारे डूब गए हैं, यहाँ यहाँ तक पानी है। देखिए ये भी थोड़ा सा ये है कि पानी कम हो गया, इसको थोड़ा सा यहाँ तक हम खड़े, नहीं तो यहाँ पर यहाँ तक पानी आया है। ये देखिए पूरे पेड़ वेड़ सब डूब चुके हैं, ये पूरा हाल है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ नीचे पूरा पानी, मैं दिखाता हूँ आपको पास से। ये देखिए ये पूरा यहाँ तक, पूरा यहाँ तक पानी आ रहा है। अभी पानी कम हो गया है इसलिए यहाँ पे हम खड़े हो पा रहे हैं, नहीं तो जो यहाँ पे अभी दिख रहा है, जो सिचुएशन दिख रही है यहाँ पे, यहाँ यहाँ तक पूरा पानी है। देखिए मिट्टी पूरी गीली हो रखी है, अगर आप पास से देखेंगे पूरी मिट्टी गीली हो रखी है यहाँ पर। आप सोच सकते हैं किस लेवल तक पानी बढ़ के आया हुआ कल और परसों दो दिन, जो 12 और 13 तारीख का जो अलर्ट था उस, और आज तो सिचुएशन थोड़ा बेटर है। और ये सामने जो घर डूबे हुए दिख रहे हैं, आई होप कि एक दो दिन के अंदर ये सब पानी का लेवल कम हो जाए, बारिश बंद हो जाए। पहाड़ों में जो तूफान आ रखा है, जो बाढ़ आ रखी है पानी की वजह से, वो सब कम हो जाए ताकि दिल्ली में भी लोगों को सुकून मिले और पहाड़ों में भी लोगों को सुकून मिले। उत्तराखंड हिमाचल सबसे ज़्यादा प्रभावित है इस टाइम पे, उसके बाद दिल्ली। दिल्ली में बाढ़ आ रही है तो पहाड़ों में सोचे किस लेवल का हो रहा है। मतलब मैंने, आपने वीडियोज़ देखे होंगे, मैंने भी वीडियोज़ देखे, मैं वो वीडियोज़ वगैरह आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचे। तो बहुत ही सीरियस मैटर है और उसमें मतलब पुल बहते हुए दिख रहे हैं, घर अंदर सब बर्बाद हो रहा है, खेतों में पानी जा रहा है, जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, नई नई बिल्डिंगें बनी हैं। पानी की पावर क्या होती है ये 2013 में हमने देखी थी और अब हम देख रहे हैं हिमाचल और उत्तराखंड में दोबारा से जो चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आप बरसात के मौसम में बाहर जाते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ट्रैवल कम करें, हो सके तो ना करें, बरसात के बाद करें या बरसात से पहले करें, बट सावन के महीने में ट्रैवलिंग थोड़ा कम कर दें, क्योंकि इसको देख के तो ऐसे ही लगता है कि सेफ़ नहीं है लोग, कोई भी सेफ़ नहीं है। किसी शहर में हो चाहे पहाड़ों में, आप कहीं भी चले जाओ, पानी के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते।
तो यही मेरा छोटा सा मैसेज है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो वीडियो के थ्रू। अगर आपको समझ में आया तो औरों के साथ भी शेयर करें, अवेयरनेस फैलाएं। तो बेसिकली अवेयरनेस वीडियो में ये नहीं बोलूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें या सब करें, बट हाँ लोगों को अवेयर करवाएं कि पानी के साथ खेल ना करें और ट्रैवल कम ही करें बारिश के टाइम पे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है गाइस, मैं वीडियो को यही एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस। यहाँ काम चल रहा था, काम भी बंद हो गया अभी हाईवे का। ये हाल है, सारे पिलर विलर सब पानी में पड़े भाई। ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे रोड, यही रास्ता भजनपुरा की तरफ भी जाता है। अब यहाँ देखिए पूरा पानी भरा हुआ है, काम भी बंद हो गया है एक्सप्रेसवे का, इस वजह से एक्सप्रेसवे बंद रहा है। ये देखिए ये एक्सप्रेसवे बन रहा है दिल्ली देहरादून वाला, और इस बाढ़ की वजह से काम भी बंद हो चुका है। और ये हाल है, पानी आप देखिए पिलर के बगल में आ चुका है। ये पिलर आपको दिख रहे होंगे हाईवे के, ये देखिए ये एक्सप्रेसवे बन रहा है अक्षरधाम से लेकर देहरादून तक। यहाँ पर काफ़ी हद तक काम भी कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी कुछ पिलर रेडी हैं, कुछ पिलर तैयार किए जा रहे हैं। एक साइड के पिलर लेफ्ट साइड के आपको रेडी दिख रहे होंगे, राइट साइड के रेडी हो रहे हैं। और ये राइट साइड वाला एरिया है, ये सीलमपुर और शास्त्री पार्क की कॉलोनीज हैं। कुछ एरिया शास्त्री पार्क में आता है, कुछ सीलमपुर का। और ये है अपना रास्ता चौधरी छात गार्डन और जहाज़ाबाद की तरफ।